हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे सोहन इन फील्ड पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है वो है इश्यू अपडेट के लिए। जैसा कि अगर सब बाइकों में नहीं तो बट कहीं कहीं प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि कम आरपीएम पे बाइक आपकी बंद हो जाती है, और उसी वीडियो लाया हूँ। जैसे कि ये हमारी मॉडल है क्लासिक, आप देख सकते हैं। इस बाइक में ये प्रॉब्लम है कि जैसे आरपीएम थोड़ा सा कम होता है या क्लच दबाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। उस केस में क्या करना होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये रॉयल फील्ड का नया अपडेट आया है, ये सिर्फ ऑथोराइज सर्विस सेंटर में होगा, कहीं लोकल नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट क्या है, कितने एमबी का है और कितना टाइम लगता है उसको ईसीयू अपडेट करने में। उसके बाद कस्टमर से बात भी कराऊंगा आपकी कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और एक राइड के लिए भेजने के बाद उससे पूछेंगे कि सर आपको कैसा लग रहा राइड करके। सबसे पहले तो मैं आपको अभी में ये डूल टूल है जो सिर्फ आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर में मिलेगा, इससे मैं आपको दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर आईडी। आप कैलिब्रेशन देख सकते हो, ये अपडेट होगा अभी, ठीक है। अभी चलिए चलते हैं अपडेट के लिए क्या करना होगा। अपडेट के लिए हमें ये वायर लगानी होगी, गाड़ी को न्यूट्रल पे रखना है हमने अपने पीसी के साथ। पीसी आप देख सकते हो सोहन इनफील्ड ब्लॉक्स आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है रॉयल फील्ड का, जिसमें हम कनेक्ट करके अभी आपको दिखाऊंगा कि इश्यू अपडेट फ्लैश कैसे होगा। ये जो मैं एक बार बता देता हूँ ये प्रॉब्लम है उसे कैसे किस चीज़ से लिया है और इश्यू क्यों अपडेट हो रहा है। इश्यू इसलिए अपडेट हो रहा है क्योंकि जो आपकी बाइक में कहीं कम आरपीएम में बाइक बंद हो रही है, ये पूरा इश्यू फ्लैश होगा आपका। तो इश्यू फ्लैश वाली आप आई होप कि आप किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आए। अभी ये हो रहे ओपन हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, जब अपडेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीरियल नंबर डाल देता हूँ मैं, अब हम इसे फ्लैश करेंगे। सबसे पहले तो आपका ये आएगा क्लासिक 350, इस पर अपने हमने ईएमएस पे जाना है, ईएमएस क्लिक करके फ्लैश पे क्लिक करना है। जैसे फ्लैश पे क्लिक करोगे ये उसका सीरियल नंबर को करेगा। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, थोड़ा भी नहीं, एक मिनट। प्रॉपर चाहिए आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, अगर हल्का सा कनेक्शन लूज हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है आपकी बाइक में। ये देखिए स्टार्ट हो गया करंटली पेज, ये कितने पेज हैं ये देखिए, 1288 पेज अभी स्टार्ट हो गए हैं इसकी। अभी देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। आपको बता देता हूँ हिमालयन के लिए भी सेम अपडेट आया। अगर आपकी हिमालयन में भी कम आरपीएम में या क्लच पकड़ने पे बाइक बंद हो रही है तो आप ये अपडेट करा सकते हैं किसी भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर में। अगर आप जम्मू में तो मेरे पास आ सकते हैं, तो ये आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी हो रहा है अपडेट, अपडेट तो हमने कर दिया। चले कस्टमर से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी उन्हें इश्यू अपडेट, अभी उन्होंने ट्राई नहीं किया। चलो भैया, क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपकी बाइक में? मिसिंग कर रही थी। मिसिंग कर रही थी, किस तरह की मिसिंग थी बता सकते हैं? ये मिसिंग एक्सीलेटर छोड़ोगे तो बंद हो जाती, ट्रैफिक में बाइक बंद हो गई या क्लच पकड़ के, मतलब मेन पंगा था कि क्लच पकड़ के आपकी बाइक बंद होती है। अभी हमने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, आप बाइक की राइड कीजिए, तो 2-3 किलोमीटर में राइड करने के बाद मुझे बताना कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। ठीक है, चलिए आप चलिए राइड। आगे तो भैया से पूछते हैं कि इनकी बाइक में क्या प्रॉब्लम थी, सॉल्व हुई कि नहीं। चलो क्या हो भैया? सही है, मिसिंग की प्रॉब्लम थी, आप ओके हो गया। ठीक है, अगर जब भी कहीं प्रॉब्लम आती है कभी भी हमारे सर्विस सेंटर आ सकते हैं। कभी भी आना यहाँ पे, सोन भैया से मिलना, बहुत अच्छा काम किया है इनका चैनल। थैंक यू सर, कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है कभी भी आ सकते हो। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।